हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे मंकी यानी कि बंदरों के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बंदरों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दूसरे नवीन दुनिया के बंदर जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। नवीन दुनिया के बंदर के 36 दांत होते हैं, जबकि प्राचीन दुनिया के बंदर के 32 दांत। बंदर आमतौर पर पेड़ों, घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। मनुष्यों के सिवाय केवल बंदर ही एकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केले के छिलके को उतार कर खाते हैं। बंदरों और मनुष्यों का 98% DNA आपस में मिलता है। बंदर फलों, फूलों और पत्तों के अलावा कीड़े और रेंगने वाले प्राणियों को भी खाते हैं। जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पर बंदरों को वेटर के रूप में रखा गया है। कभी भी बंदर को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि वह उन्हें अच्छा नहीं लगता और वह आप पर हमला भी कर सकते हैं। वर्तमान में बंदरों की 264 प्रजातियाँ खोज लिया गया है। बंदरों को गिनती करना सिखाया जा सकता है। बंदरों के समूह को अंग्रेजी में ट्रूप्स कहते हैं। 2011 में पाकिस्तान में एक बंदर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह बॉर्डर पार करके भारत की तरफ जा रहा था। चिंपैंजी बंदरों की एक किस्म है। अगर इन्हें किसी उचित काम का फल ना मिले तो यह हमारी तरफ खींच जाते हैं। यह कहना है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का, जिसने एक ऐसा खेल तैयार किया जिसमें फैसले लेने होते थे और जीतने पर खाने की चीज़ें मिलती थी। इसमें खेल में हारने वाले बंदरों को स्वादिष्ट केले की बजाय हल्का खीरा दिया गया, तो उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया की जिसे बंदरों की खींच कहा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स।